अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की एक और एग्जांपल डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ये वो एग्जांपल है जो कि हम लोग इरिगेशन में यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर। ये आपके सामने राइस क्रॉप है जो हम लोगों ने अभी ग्रो करवाई है, इसका अभी स्टार्टिंग सीज़न है, ठीक है। और साथ कुछ और क्रॉप्स भी हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एग्रीकल्चर फार्म है। ये शुगर केन क्रॉप है जो अपने फुल स्विंग में है माशाल्लाह। और आजकल जो जिसका स्टार्टिंग सीज़न है वो है ये राइस क्रॉप। ये राइस की बहुत अच्छी एक अलग क्वालिटी की एक फसल हम लोगों ने यहाँ पे काश्त करवाई हुई है, हर साल करवाते हैं। ये है सुपर कैनाथ जो आजकल जिसकी बहुत डिमांड है। और इसको इरीगेट करने के लिए जो मैं आपके सामने एक हीट इंजन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये देखें, ये एक फीटर इंजन है जो कि फ्यूल यूज़ कर रहा है। इसके यहाँ पे जो फ्यूल है वो डीजल है, डीजल को ये एज अ फ्यूल यूज़ कर रहा है। ये एक हीट इंजन की एक टाइप है, ये कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट को प्रोड्यूस करने के लिए ये डीजल यूज़ कर रहा है, फिर इसका भी अंदर एक चैम्बर है जिसमें वो डीजल हीट प्रोड्यूस करता है, फिर उस हीट को ये यूज़ करता है मैकेनिकल इंजन इनटू ये हीट इंजन यूज कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी ये देख रहे हैं आपके सामने, ये पट्टा चल रहा है और ये पुली चल रही है, पुली से इस पुली को घुमाने के लिए ये हीट इंजन यूज़ हो रहा है। और वो पुली पर जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको पुल अप करने के लिए ये यूज़ हो रही है सारी। और देखिए आपके सामने ये पानी निकल रहा है और इस पानी से हम लोग अपनी मुख्तलिफ क्रॉप्स को इरीगेट करते हैं, उनको और चापाशी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के ये वाटर सोर्सेज हैं। एक तो ये आपके सामने जो ये फीटर पंप लगा हुआ है, फीटर इंजन लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये जो है आपके सामने ये जो एक है खाल है, यहाँ से नहरी पानी आ रहा है जो कैनाल वाटर है, ठीक है, जो कि बेसिकली हसरी मुहैट से आगे जो निकले नहरें उन नहरों से होते हुआ यहाँ तक पहुँचता है और ये हमारी फसलों को ख़राब करता है। बेसिकली ये फिजिक्स है सारी जो कि यहाँ यूज़ हो रही है क्रॉप को इरीगेट करने के लिए। हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल के ज़रिए से इंजन रन कर रहा है। जब इंजन रन कर रहा है तो इंजन उस फ्यूल के से पैदा होने वाली हीट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू मैकेनिकल एनर्जी और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी आगे यूज़ हो रही है पुली को घुमाने के लिए। और पुली के साथ नीचे एक पंप लगा हुआ है तो उस पंप के ज़रिए से ये वाटर जो है वो अंडरग्राउंड जो वाटर है, जो अंडर द अर्थ वाटर है, उसको पुल अप करने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और फिर जो वाटर है ये यूज़ हो रहा है इरीगेट करने के लिए फसलों को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।